सर ईत ही तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। साईं बाबा के पास कोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चीलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई जा बाई ने उद्धृत कर ली देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास है दास गणू बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी ही से ज्योति उत्तम जलाई। नीम की पत्ती धुनी से उठी सबको हर दम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर देती थी। भिक्षा लाकर पांच घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म ना होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी तुम ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। नित सेवा में रख कर उनके रोग को हरण दिया। अम्ल पित रोग वह से बड़े ही पीड़ित थे बूटी। उन्हीं से उन्हीं देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थी काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासी के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों से उदर रोग से ये बड़े पीड़ित दत्तोपंत। हरदा के ऐसे दुखी को देख कर
उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जग ईश्वर ने, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अजानु बाहु बनकर आए विश्व को आशीष देने को, तीनों लोक ने आशीष पाई ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे, अपनी नींद सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की, तुमसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञान आश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साई ईश्वर के पास। देश विदेश से आकर दो ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से मणपन, दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान दिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई।